हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपुल राजप्रोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, पीटीटी, पीएसएसटी, रीट, सीटेट और से संबंधित जो संस्कृत विषय है उसके संबंधित मैं आज की आपके लिए एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ। इससे पहले हमने संस्कृत से इसी से संबंधित 3 वीडियो और डाले हैं, आपको वीडियो आई बटन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना आपका समय व्यर्थ किए हुए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर दोस्तों आप आए हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है विसर्गस्य उच्चारण स्थानमस्ति, यानी विसर्ग जो उच्चारण विसर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान क्या हुआ। तो ए ओष्ठो, बी मूर्धा, सी कंठ और डी तालु। तो जल्दी से उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर होगा इसका सी, कंठ है। अगला प्रश्न है संस्कृत वर्णानाम उच्चारण स्थानानि वर्तते, यानी संस्कृत वर्ण के उच्चारण स्थान कितने होते हैं। 9, 11, सप्त और पंच। तो सही उत्तर होगा सप्त। अगला प्रश्न है तय वर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति, तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। ओष्ठ, तालु, दंत और कंठ। तो सी सही होगा दंत। तो सूत्र होता है ऋतु लैसानाम दंता, यानी ऋतु लैसानाम दंता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्णेषु ईषत् सपृष्ठ वर्णा चेतव्य, यानी निम्नलिखित जो वर्ण है इनमें ईषत् सपृष्ठ वर्ण कौन सा है। तो ए है कैख, बी है यरलव और सी है ए ई उरी और डी है सैसे है। तो सही उत्तर होगा बी यरलव। ईषत् सपृष्ठ वर्ण अंत्यस्थ जो वर्ण होते हैं वो ईषत् सपृष्ठ वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है स्वर्णानाम अभ्यंतर प्रत्यय किम, यानी स्वरों का अभ्यंतर प्रत्यय क्या होगा। स्पृष्ट होगा, ईषत् स्पृष्ट होगा, विवृत होगा या समृत। तो सही होगा विवृत। अगला प्रश्न ईषद विवृत प्रयत्न वर्ण संति, यानी ईषद विवृत प्रयत्न वर्ण कौन से है। यरलभ है, गैजेड सैसे है या ए यू। तो सही होगा सैसे है, यानी उसम जो वर्ण होते हैं वो ईषद विवृत। अगला प्रश्न है वकार से उच्चारण स्थान मस्ति, यानी वकार का उच्चारण स्थान क्या होगा। कंठ तल होगा, कंठोष्ठ होगा, दंतोष्ठ होगा या मूर्धा। तो सही उत्तर होगा सी दंतोष्ठ, वकार से दंतोष्ठम। अगला प्रश्न है अधोलिखित मूर्धन्य वृत्ति, यानी निम्न से मूर्धन्य वृत्ति वर्ण। तो ए में है ई, ये, से, चे, छे, जे, बी में री, रे, से, टे, ठे, ण और सी में ए, है, के, खे, गे, अड़े, विसर्ग और डी में ली, ले, से, ते, थे, ने। तो सही उत्तर होगा इसमें बी ऋतु रे सरणाम मूर्धा। बाह्य प्रयत्न कितने कति संति, यानी बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं। 9, सप्त, पंच या एकादश। तो सही उत्तर होगा एकादश, 11, 12, 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। अगला प्रश्न है ए एवं आ परस्पर, ने ए आ परस्पर है, सवर्ण है, संयोग है, पद्य है, संहिता। तो सही उत्तर होगा सवर्ण है। अगला प्रश्न है टैवर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। तो टैवर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा, मूर्धा होगा, ओष्ठ होगा, दंत। तो सही उत्तर होगा मूर्धा, ऋतु रेसनाम दंत मूर्धा। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा में व्यंजनों की संख्या बतानी है, 33 होते हैं, 26 होते हैं, 30 होते हैं, 36। तो सही उत्तर होगा 33। निम्न में से कौन से दो वर्ण परस्पर सवर्ण नहीं है, पै फै ब पै और भ दैन ए ई क च। तो सही उत्तर होगा क और च। नासिका से उत्पन्न वर्णों की संख्या बतानी है, 6 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, 9। तो सही उत्तर होंगे 6। स्पर्श वर्ण कौन से हैं, स से है, क च ट प यरलव यमगण्य में। तो स से है तो उसम वर्ण होते हैं, यरलव अंत्यस्थ वर्ण होते हैं, यमगण्य नासिक वर्ण। तो सही स्पर्श वर्ण होंगे क च ट प। ऊ स्वर से उच्चारण समझिए, ऊ का उच्चारण स्थान बताना क्या होगा, कंठ होगा, तालु होगा, मूर्धा होगा, ओष्ठ होगा। तो सही उत्तर होगा डी ओष्ठ, उपबुद्धमानियम ओष्ठव। अगला री स्वर से उच्चारण स्थान बताइए, री का उच्चारण स्थान बताना दंत, जीवा, मूर्धा, कंठ। तो सही होगा मूर्धा, ऋतु रेशनाम मूर्धा। अगला प्रश्न है चय वर्ग से उच्चारण समझिए, चय का उच्चारण स्थान बताना मुख, हस्त, तालु, दंत। तो सही उत्तर होगा तालु, इच्छु यशनाम तालु। अगला प्रश्न है थे व्यंजन से उच्चारण स्थान, थे व्यंजन का उच्चारण स्थान बना क्या होगा, तालु होगा, मूर्धा होगा, कंठ होगा, दंत होगा। तो सही होगा दंत, ऋतुलासा नाम दंता। अगला प्रश्न है ये वर्ण से उच्चारण स्थान बनती, ये वर्ण का उच्चारण क्या होगा, कंठ होगा, मूर्धा होगा, तालु होगा, दंत। तो सही उत्तर होगा दंत। तो दोस्तों, ये थे 20 मॉडल पेपर की, ये मैंने आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किया, उसके 20 प्रश्न। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि भाई हम इसके लिए एक लाइव टेस्ट क्लास लेके आए, कि भाई आपको संस्कृत का एक लाइव टेस्ट हो या जीके का लाइव टेस्ट हो या शिक्षण अभिसमता क्लास हो, किसी का भी अगर आपको लाइव टेस्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई सर इसका लाइव टेस्ट चाहिए, तो वो लाइव टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और परीक्षा से पहले आपके सारे जो वीडियोज़ हैं लगभग वो सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप विपुल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, अपने वीडियो के अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को करना शेयर, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट। धन्यवाद दोस्तों।